महिला के फोन का बिल एक महीने का करीब 2 करोड़ रुपए आया है। महिला ने जैसे ही बिल देखा, उसके फोन पर जो मैसेज आया, उस मैसेज को चेक करने के बाद मालूम पड़ा कि एक महीने का फोन का बिल आया है। और उसके बाद महिला चक्कर खाकर गिर जाती है। लोग आते हैं, उसे उठाते हैं। जब महिला को होश आता है तो पूछा जाता है कि तुम्हें क्या हुआ था कि अचानक से तुम गिर पड़ी। उसके बाद वो बताती है कि मोबाइल का बिल इतना ज्यादा आया कि देखकर उसे चक्कर आ गया। पहले तो लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब उसका फोन चेक करते हैं तो देखते हैं कि करीब 2 करोड़ रुपए का बिल आया है, वो भी सिर्फ एक महीने का। अब ये कैसे हो गया, ये आपको बताना जरूरी है ताकि आप वो गलती ना करें, वरना आपकी एक गलती आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। और उसके बाद फोन चलाना तो छोड़िए, आप उसे छूना भी नहीं चाहेंगे। बताते हैं कैसे हुआ सब कुछ और उसके बाद अब वो महिला क्या कर रही है। कस्टमर केयर के पास जब उसने फोन किया तो वहां से क्या जवाब मिला, और अब कब तक वो ये 2 करोड़ रुपए चुकाएगी, ये सब कुछ आगे इस सेगमेंट में आपको हम बताएंगे। अब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट अजब गजब में, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अगर आप भी फोन चलाते हैं और सोचते हैं कि फोन का बिल ज्यादा से ज्यादा 1,000, 2,000, 3,000 आएगा, तो आज का ये सेगमेंट देख लीजिए। उसके बाद आप खुद ही सोच समझ कर फोन का इस्तेमाल करने लग जाएंगे। और खासकर जो लोग अपना मोबाइल प्लान किसी और के साथ शेयर करते हैं, उनके लिए खबर बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि इस महिला ने भी अपना जो फोन है, अपना जो मोबाइल का प्लान है, अपने भाई लोगों के साथ इसने शेयर किया था, और इसी के कारण अब उसका 2 करोड़ का बिल एक महीने का आ चुका है। जी हाँ, अगर पूरा मामला आपको बताते तो ये महिला का एक महीने का जो बिल है वो 1,63,00,000 आया है। मतलब कि करीब 2 करोड़ का बिल अब आ गया है, और बिल देखते ही महिला बेहोश हो जाती है। और ये भी जान लीजिए कि जब उसकी जांच करवाई गई, कस्टमर केयर को फोन किया गया और पूछा गया कि कैसे ये हो गया, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि दूसरे किसी का मोबाइल का बिल आपके बिल पर के नाम पर कट जाता है, या फिर कोई भी दिक्कत के कारण ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन जब कस्टमर केयर से बात की गई तो कस्टमर केयर का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना बिल आपको नजर आ रहा है वो बिल आपको चुकाना होगा, क्योंकि ये आपके फोन का ही बिल है, आपका मोबाइल इतना इस्तेमाल किया गया है प्लान जो कि अब 2 करोड़ तक पहुंच गया है। बात असल में ये है कि महिला अपने 2 भाइयों के साथ मोबाइल का डेटा शेयर करती थी। अक्सर ये बिल 14,000 से 15,000 तक पहुंचता था एक महीने का, ज्यादा से ज्यादा होता था तो 20,000 तक। लेकिन इस बार ये मोबाइल प्लान महिला के अकाउंट पर महंगा पड़ गया है। जब बिल आया तो 1,63,00,000 दिखा। फ्लोरिडा की रहने वाली ये महिला है जो कि अपना मोबाइल प्लान अपने 2 भाई के साथ शेयर करती है, और जब तक ये अपने भाइयों के साथ फोन का जो ये डेटा प्लान है वो शेयर करती है तो उसका हर महीने का बिल 20,000, 14,000, कभी 15,000 ऐसा आता है। लेकिन इस बार जो हुआ उसके बाद महिला काफी ज्यादा सदमे में है। अब इतना बिल आया तो उसने दोनों भाइयों से पूछा तो मालूम हुआ कि दोनों ने हर महीने की तरह इस बार भी अपना फोन का इस्तेमाल किया है। बिल कैसे आया ये उन्हें पता नहीं, मगर बाद में मालूम हुआ कि इस महीने ये लोग कहीं बाहर गए हुए थे, जहां दोनों भाइयों ने मिलकर इस बीच 2,000 मैसेज किए हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है, और कई वीडियोस भी इन्होंने डाउनलोड किए हैं, जिसका बिल उसी समय 15,00,000 के ऊपर जा चुका था। और उसके बाद सेलिना नाम की जो ये महिला है उसने अपना फोन अलग से इस्तेमाल किया था, डेटा प्लान इस्तेमाल किया था, जो कि सब मिलाकर 2 करोड़ तक का बिल जा पहुंचा है। मोबाइल प्लान विदेश में इस्तेमाल किया गया और उसमें कोई भी लिमिट सेट नहीं की गई थी, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप बाहर जाएं तो लिमिटेशन सेट कर ले, जो कि इन लोगों ने गलती की जिस कारण इतना ज्यादा बिल आ गया। बाकी अब महिला ने जैसे ही ये बिल देखा उसे चक्कर आता है, लेकिन चक्कर आने से यहाँ कुछ होगा नहीं, उसे बिल तो चुकाना ही है। अब उसे 6 महीने का वक्त दे दिया गया है, 6 महीने के अंदर बिजली बिल उसे जमा करना है, और नहीं करेगी तो आगे फिर उसका सिम कार्ड या फिर जो भी डेटा प्लान है वो बंद किया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बात यही है कि अगर आप भी अपना मोबाइल प्लान किसी और के साथ शेयर करते हैं तो सोच समझ के कीजिए, डेटा लिमिटेशन सेट कर लीजिए ताकि आपके पास भी 2 करोड़ का बिल ना पहुंच जाए। बाकी इस रिपोर्ट के बाद आप उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।